अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी सुपर टेट स्पेशल मैथ में। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, ये क्लास सभी टीचर एग्जाम परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट का इसमें सिर्फ ठप्पा लगा है बस, ठीक है। चाहे आप रीट देने वाले हैं, यूपी टेट, सी टेट कुछ भी देने वाले हैं, सबके लिए उपयोगी है, तो क्लास को बिल्कुल दिल लगा के देखना, ठीक है। ये सेशन नंबर 19 होगा, 19 नंबर। हस्त मिलाप और गिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, टाइम ना गंवाते हुए जो भी छात्र जुड़े हैं मैं उनका नाम बोलूंगा, लेकिन उन्हें थोड़ा सब्र रखना होगा, ठीक है। कहता है कि किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। उपस्थित प्रत्येक टीम एक दूसरे से एक एक मैच खेलती है, मतलब एक एक क्रिकेट दोनों के बीच में, दो टीमों के बीच में होता है। कुल 8 टीम है, तो कुल टोटल कितने मैच खेले जाएंगे? भैया टीम टोटल 8 है, एक दूसरे से सभी एक एक मैच खेलेंगी, मतलब कोई ऐसी टीम नहीं होगी कि जो दो बार मैच खेले किसी से, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे कमेंट करके बता दो फटाफट। पहला ऑप्शन है 21 मैच, दूसरा है 28, तीसरा है 32, चौथा है 48। क्या कोई सही है? चलिए मैं बताता हूं। देखिए इसमें मैं सबसे पहले तो आपको एक सूत्र बताऊंगा छोटा सा, फिर मैं आपको इसको विस्तार से भी बताऊंगा, मतलब ओपन करके, ठीक है। हल लिखिए, फार्मूले में लिखिए वही जो आप पहले से भी शायद जान रहे हो, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। यहां पर अगर बीच में छोटका कोष्ठक है तो आप इसे मझला कोष्ठक या ऐसे कुछ कर दो, ठीक है, डन। देखिए यहां पर n का मान क्या होगा मेरे भाई, n का मान टोटल नंबर्स ऑफ टीम, टोटल 8 है तो n का मान 8 रखोगे, ये 8 ब्रेकेट में 8 माइनस 1 अपॉन 2, ओके ये हो गया पक्का। आगे देखो 8 गुणा 7 बटा 2, 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौक 8, 28, टोटल कितना आया 28। यहां पे समझना टोटल कितने मैच खेले जाएंगे, 28 मैच, ठीक है, डन। कुछ समझा क्या? ये तो हो गया एक सूत्र, ट्रिक हो गई। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप उन्हें कर ले जाओगे। एक बार सभी कमेंट करके बोलो यस कर लोगे। मैं कमेंट देखता हूं पहले, बहुत परेशान है कुछ लोग, उनका कमेंट देख लेता हूं। हैरान ना रहा करें, कमेंट पे ध्यान ना दें, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। कमेंट करने वालों में अतुल यादव आपका कमेंट आ रहा है, श्याम सुंदर जी कमेंट आ रहा है, पूजा सिंह आपका भी कमेंट आ रहा है, लवली कुमारी, मोहित, अमन कश्यप, नरेंद्र, अंकुश, संजय, मौसम, प्राची शर्मा, सुमित, मोनिका और निशा मिश्रा, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। देखिए कमेंट पढ़ने में टाइम जाता है, चलिए इसका बेसिक में चर्चा करते हैं। बेसिक में हम क्वेश्चन देंगे, उसके पहले आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इन्हें आप लोग करिए और फिर मुझे बताइएगा, ओके। देखो भाई बना लो पहले क्वेश्चन, फिर मैं इसको डिटेल में बता दूंगा विस्तार से, लेकिन शॉर्टकट में यही फार्मूला यूज करना होगा। तो आप एक काम करो, 8 टीम की जगह एक बार 10 टीम कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए 1 सेकंड हो गया, जल्दी करें। और 8 टीम की जगह 10 हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेना आप लोग, 12 टीम कर लेना, ठीक है। ये दो आंसर आप कमेंट करके बताओगे, सभी कोशिश करोगे पक्का। चलो अब हम इसको विस्तार से समझते हैं, कैसे ये 28 मैच जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है बिना किसी सूत्र वगैरह के। चलो ये मैथ है, ये गणित है, जिंदगी ना एक गणित है, खुद एक गणित है पूरी लाइफ। और आप लोग तो इतने बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, तो फिर कोई समझाने की जरूरत नहीं। टोटल 28 मैच खेल रहे हैं ना, देखिए समझिए इसको विस्तार से समझिए, कैसे 28 कैसे, टोटल 8 टीम है। अब देखो लिख लो चाहे तो, आठवीं टीम किससे किससे मैच खेलेगी लिख लो, आठवीं जो है टीम मैच खेलेगी
खेलेगी, ठीक है, खेलेगा नहीं, किससे किससे खेलेगी? देखो भाई, आठवीं है ना वो, सातवीं से खेलेगी, छठवीं टीम से, पांचवीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, सबसे खेलेगी ना आठवीं, लेकिन आठवीं आठवीं से तो नहीं खेलेगी ना खुद से। तो मेरे भाई इस तरीके से ये सेवन से खेलेगी, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, इन सब से खेलेगी। इस तरीके से आप इन्हें गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितने मैच होंगे? 7 मैच होंगे ना टोटल, कितने नंबर आप मैच? 7, यानी आठवीं टीम 7 टीम के साथ मिलकर मैच खेलेगी, टोटल 7 मैच होंगे, समझना। इसी तरह से मेरे भाई, अब जो सातवीं टीम है ये किससे किससे खेलेगी? यहां पर ध्यान रहे, आठवीं टीम मैच खेल चुकी है तो सातवीं टीम आठवीं से नहीं खेलेगी, तो आठवीं छोड़ करके, और सातवीं को भी छोड़ दोगे क्योंकि सातवीं सातवीं से खुद नहीं खेलेगी, तो 6 से शुरू होगा, तो 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से देखो तो टोटल 6 मैच होंगे, बोलो होंगे कि नहीं भैया? आठवीं टीम ऑलरेडी खेल चुकी है, कह रहा है कि हर टीम एक एक मैच खेलेगी एक एक से, बस ऐसा नहीं कि आठवीं सातवीं फिर घुस जाएगी, यहां तो ये लोग सातवीं से पहले खेल चुके हैं ना ऊपर। इसी तरीके से आप नीचे तक जब जाओगे तो पता क्या मिलेगा? देखो 7 के आगे 6 आया ना, इसी तरह से छठवीं टीम के आगे मेरे भैया 5 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, समझ रहे हो? जोड़ लो, देखो ऐसे तो बन रहा है, जोड़ के देखो। अरे छठवीं टीम 5 टीम से मैच खेलेगी, पांचवी टीम ऐसे 4 से खेलेगी, उसी तरह से चौथी जो है 3 से खेलेगी, तीसरी 2 से, और दूसरी 1 से। भाई दूसरी टीम किससे खेलेगी? एक टीम तो बचेगी लास्ट में ना। इस तरीके से जोड़ लो, 7 6 13, 13 5 18, 4 22 3 25, 2 27 28, टोटल कितने मैच? 28। बात पक्की? किसी को कोई डाउट? प्रशांत वर्मा, हाँ प्रशांत जी, यूट्यूब पर ये क्लास 8 बजे होती है अगर आप लोग सकुशल पढ़ते हैं, बाकी अगर आप पीवीआर स्टडी ऐप में लिए हैं तो आप कभी भी देख सकते हैं ईमानदारी से, क्योंकि एप्लीकेशन में 100% कोर्स मिलता है और ईमानदारी से पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप लोग ईमानदारी से पढ़ते हो। यूट्यूब पर क्लास चलती तो अफसोस की बात है, 100 120 150 बच्चे जुड़ते हैं, एप्लीकेशन में 800 बच्चे, 700 बच्चे, कभी कभी 1200 बच्चे जुड़ते हैं एक साथ में। क्यों? क्योंकि वो फीस डिपॉजिट किए हैं, उनकी गर्ज है उन्हें पढ़ना है ईमानदारी से। तो आप भी सीरियस हो जाएं और पढ़ें रेगुलर, चाहे यूट्यूब पर पढ़ें चाहे ऐप पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप कुछ बात करते हैं, और भी इसमें का आप लोग कुछ क्वेश्चन बना लेना ऐसे, ठीक है? नहीं आएगा बताना, कमेंट में ज्यादा नहीं ले पा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन सुनिए, कोई पार्टी हो रही है, उस पार्टी में कुछ पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितने नंबर आप पर्सन हैं। सभी एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, जिसे पुरानी भाषा में पहले राम जोहार बोलते थे, जय राम, समझ रहे हो? जब हम लोग छोटे थे बचपन में, नाना वाना जी के साथ कहीं जाते थे या पापा लोग कहीं जाते थे, तो बड़े बुजुर्ग लोग जो लोग सेम एज के रहते थे हाथ मिलाते थे, जय राम जी की, जय राम जी की, जय सिया राम, समझ रहे हो? ये हमारे लोग की परंपरा रही पहले, अब तो लोग नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं। छोड़िए ये सब, किनारे करिए, फिलहाल इसमें भी ऐसा कहा जा रहा है, क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। आइए इसको देखते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो इसमें क्या करते हैं, इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके हेल्प से हम इसे कोशिश करते हैं हल करने की, आसान होता है, ठीक है? कह रहा किसी पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यदि 66 बार हाथ मिलाए गए तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? क्वेश्चन से ये क्लियर हो रहा है कि जो पार्टी हो रही है धूमधाम वाली, उसमें ये नहीं पता कितने बंदे हैं, बस ये पता है कि एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और 66 टाइम जो है वो हैंडशेक हो रहा है, ऐसे एक दूसरे से हाथ मिला देना ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ऑप्शन आपके सामने, एक बार ट्राई कर लो। चलिए हम भी ट्राई करते हैं। कुल संख्या, आप ये फार्मूला जानते हैं, कुल संख्या ना, यन इंटू यन माइनस वन अपान टू, ये अभी आपने देखा है। इसमें आप टोटल नंबर आप लिखोगे, यन का मान पहले 16 रख के देख लो, 16 माइनस 1 अपान टू, टू से काटोगे 8, 66, 8 गुणा 15, 15 8 कितना होगा? 8 5 40, हासिल 4 8 1 8 4 12। देखो बराबर नहीं हो रहा है ना ये,
ऐसे आप क्या करोगे इसमें, मान को रख रख के ट्राई करते हो, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। वैसे हम सबसे छोटा या सबसे बड़ा मान फर्स्ट टाइम रख के ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये जो यन का मान आया, कुल कितने नंबर थे, वो क्लियर नहीं हुआ इसमें। अब क्या करोगे, 16 पर दोनों बराबर नहीं हुआ मेरे भाई, 12 रख के देख लो, 12 पर रख के देखो दोनों बराबर आ रहा है क्या। यन का मान 12 रखो, तो 12 -1/2, ऑप्शन से ही लेते हैं, 6 हो जाएगा, ये आपका 6, ये इसमें से घटेगा, देखो बराबर आ रहा है ना, यानी यन का मान कितना आया, यन बराबर 12, मतलब कुल मिलाकर के 12 व्यक्ति थे उस पार्टी में। बात पक्की, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई तकलीफ, नो तकलीफ, चलिए ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बार बताओ मुझे भैया, एक बात बताओ, तुम यादों में मरते हो क्या, तुम भी अब मुझसे मोहब्बत करते हो। ये तो मैं ऐसे बोल दिया, एक बात बताओ, मैं कुछ और बोलने वाला था लेकिन मुझे याद आ गया, फिलहाल जाने दीजिए उसको, साइड करिए। एक बात बताओ, मैं ये बोल रहा था कि अगर ये 66 बार को हम 86 बार कर दें, तब कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे, मतलब सॉरी कितने व्यक्ति थे। ऑप्शन 26, 27, 22 या 55 या नॉट, चलिए ट्राई करके देखिए एक बार, कमेंट ले लेता हूं मैं सबका, काफी लोग बहुत परेशान है कमेंट के चक्कर में। हाँ तो सबका कमेंट्स मुझे दिख पा रहा है, जैसे कि अगर मैं देखूं तो मोहित जैन आपका कमेंट आ रहा है, श्री दयाल, सारिका बुद्ध, सतीश, और एक हैकर हैकर है भाई, भोला सरोज, और मोहित, नीलन सागर, बसंत गुज्जर, बहुत से सभी छात्रों के लगभग कमेंट्स आ रहे हैं, परेशान ना रहें, आगे बढ़ते हैं। चलिए सबका कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं, इसी टाइप का कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि किसी पार्टी में कुल जो भी व्यक्ति उपस्थित थे, उन लोगों ने कुल 153 बार हाथ मिलाया, 153 टाइम हाथ मिलाए, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे। ऑप्शन लिखिए आप लोग, इसमें से बताइए, क्वेश्चन तो अभी मैं लिखा था, 18, 19, 21 या 25, सभी जल्दी से जवाब दीजिए। कोई पार्टी हो रही थी जिसमें से कुल उपस्थित व्यक्तियों ने 153 टाइम हाथ मिलाए, तो कुल कितने बार हाथ मिलाए गए, सॉरी कुल कितने बार नहीं, कुल 153 बार हाथ मिलाए गए, तो कुल कितने व्यक्ति थे। देखो भैया, जो सूत्र बताया था बहुत आसान है, मैंने यही बताया था कि कुल संख्या बराबर कुल संख्या जो है उसको रख दीजिए, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, एन का मान जो इसमें दिया गया उसको रख रख के ट्राई करते हैं, जिस पे बराबर हो जाता है दोनों पक्ष वही होता है। कहोगे परीक्षा में ऐसा कैसा होगा, परीक्षा में जो सबसे छोटा मान है जो सबसे बड़ा मान है उसको पहले ट्राई करोगे, लगभग इन्हीं पे हो जाता है, ठीक है। तो 18 रख लीजिए, 18 -1/2, देखो सूत्र यही होता है ना, कुल संख्या बराबर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, यही होता है ना, और रख दो। चलो भाई दोनों 18, 153, 9 × 17, 17 9 153, मतलब हो गया ना डन, यानी कुल 18 लोग थे, कितने लोग थे, 18 लोग थे। इसमें किसी को कोई डाउट, नो डाउट नो कंफ्यूजन, चलो फटाफट इसे लिख तो चलो उतारो, कमेंट के चक्कर में ना पड़े, कमेंट बड़ा खतरनाक होता है। बच्चे वाले लोग पूछते हैं शादी काहे नहीं कर रहे हो गुरुजी, चेहरा देख के लग रहा है कि शादी करने लायक है अभी, हाँ रोज धमाका होने लगता है शादी के बाद, मैंने सुना है, प्रायः देखा है, अभी अच्छा है, रात 2 बजे भी क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, 3 बजे भी रिकॉर्ड हो जाती है। वैसे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, हमेशा पढ़ाओगे ही, पढ़ाना ही था तो मुझे काहे लाए, अरे बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं देखा हूं। अगला टॉपिक होगा शून्यों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ जीरो। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन दे दूं, 25 × 64 × 15 × 29 के गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो आएंगे, ये आपका अगला टॉपिक, मतलब प्रकार के क्वेश्चन होंगे, पहले भी मैं बता चुका हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, है ना, जब इसका स्ट्रक्चर बताया था नंबर सिस्टम का। तो जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने क्वेश्चन दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया, के
गुणनफल में, गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य आएंगे ये आपको बताना होगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का इंतजार रहेगा, देखिएगा जरूर। और हाँ, अगर आप इस क्लास को YouTube पर देख पा रहे हैं तो PBR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके और PBR स्टडी ऐप में जा करके सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिससे आप ईमानदारी से हर दिन रेगुलर पढ़ सकें। क्योंकि हमारी कोशिश होती है समय बचा करके हम YouTube पे पढ़ाते हैं, लेकिन रेगुलर क्लास YouTube पर लेते नहीं हैं क्योंकि टाइम बच नहीं पाता है। हमारे पास DLED का, DLED यानी BTC का सारे सेमेस्टर, टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट और जीरो लेवल, जिनको मैथ में कुछ नहीं आता है, 9th 10th, ये सारी मिला करके सिर्फ मैथ मैथ की 8 से 10 क्लासें हो जाती हैं, तो टाइम नहीं बच पाता मेरे भाई यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों जगह के लिए। हम कोशिश जरूर करता हूँ टाइम निकालने के लिए, यूट्यूब के लिए कोशिश करता रहूंगा वैसे, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू, कुछ भी कहना तो बताना। और ये क्लास यूट्यूब पर हमारी कोशिश है मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे चलेगी, यूट्यूब पर 3 दिन चलेगी अब, ठीक है। रात 8 बजे तैयार रहोगे ना कि सुबह 8 बजे कर दिया जाए, क्या कहते हो? कमेंट करके बताना। सब्सक्राइब करके रखोगे टेलीग्राम पे, PVR स्टडी ज्वाइन करके रखोगे तो जब भी चलेगी जो भी होगा सारी सूचना मिलती रहेगी। कोई प्रकार की अन्य जानकारी के लिए नीचे नंबर चला उन पे संपर्क करें। अगर आप इस क्लास को ऐप में लेना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर चल रहा है उस पर ज्वाइन ज्वाइन STET 2022 लिख करके भेजें, जिसमें आपको कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करके ज्वाइन करने का पूरा प्रक्रिया बताई जाएगी। आप PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करके खुद से भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इतने समझदार हैं तो। बहुत बहुत थैंक यू, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका इंतजार रहेगा, आइएगा जरूर।